प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। यहाँ भी लाल ही आया है भैया। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तब बिहारी जी को कया, कौन सा प्रसंग सुंदर सा जी, देखिए 54th डे आज आ भी चुका है और पता ही नहीं चला। श्री बीतक साहब के साथ साथ कैसे हम सब हाथ पकड़कर मिलावा उन्हीं दृश्यों में दृश्यमान करते करते स्वयं उसमें जीने लग रहे हैं सुंदर सा जी। धीरे धीरे लाइव होता जा रहा है हमारे हृदय पटल पर। तब बिहारी जी को कहा, तुम बुलाए लियाओ इन, मैं धाम दरवाजे पैठ ना सकूं, थाड़ी इंद्रावती करे रुदन। क्या कहते हैं देवचंद्र जी, जाओ बुला कर ले आओ, इन्हीं के हृदय में तो मुझे बैठना है। इंद्रावती रोती हुई खड़ी रहेगी तो उसके हृदय में कैसे जाकर बैठूंगा। जाओ बुलाकर ले आओ, उनके साथ मेरा समय बिताना बहुत जरूरी है। तो सुंदर साहब जी, श्री बीतक साहब का अति सुंदर ये प्रसंग, उनको बार बार संदेशे भेजे जा रहे हैं। अब क्या कहते हैं बिहारी जी, जाकर कहते हैं अंबर कस्तूरी मंगवाई है। अंबर मतलब इत्र और कस्तूरी मंगवाई है जिससे कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो सके। मुझे याद करते हैं क्या बिहारी जी? नहीं नहीं तुमको तो कोई याद नहीं करता, गांगजी भाई का धन लूटने के लिए जरूर तुमको हर कोई याद करता है। वैसे तुम्हें कोई याद नहीं करता, ना सतगुरु महाराज याद करते हैं और ना ही सुंदर साथ तुमको याद करते हैं। इस प्रकार का सुंदर साथ जी उनको संदेशा जाकर दिया जाता है। तो सोचिए क्या उनके दिल पर बीत रही है इस समय ये संदेशा पाकर। कितना सुंदर साहब जी, कितना उनको दुख हो रहा है इस समय पे ये संदेशा पाकर। और उस समय भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती सुंदर साहब जी, वो क्या कहते हैं, लाते हैं अंबर कस्तूरी, लाते हैं और बिहारी जी को सौंप देते हैं और कहते हैं मैं भी सदगुरु महाराज के चरणों में प्रातः काल तक पहुंच जाऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा। बोलते हैं अपना काम काज सब किया छोड़ने का उद्यम पहले ही धनी ने उनके हृदय में डाल दी थी सुंदर साहब जी, कि काम काज से दूरी उनकी बनानी शुरू कर दी थी। तो माया से दूरी पिया थोड़ी बना रहे हैं, तो संकेतों को जरूर समझ लीजिएगा कि आगे कौन सा उपहार पिया देने वाले हैं। अपना काम काज सब किया छोड़ने का उद्यम, मैं यहां से फारक होए के पहुंचो पहुंचो आए कदम। कहते मैं यहाँ से फारिग होके जल्दी से जल्दी इधर से फ्री होके मैं सदगुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच जाऊंगा। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज, तुम सिताबी जाए के ल्याओ बुलाए श्री महराज। अब निजानंद स्वामी जी, उनको पता है कि इस तन की लीला समाप्त होने वाली, अधीर हो रहे हैं कि उसको जल्दी बुलाकर ले आओ, आए क्यों नहीं है। मेहराज जी के आने की बाट देखते रहते हैं, व्याकुलता है कि अभी तक वो आए क्यों नहीं। फिर पुनः भेज देते हैं, अभी तो अंबर कस्तूरी लेकर वो आए हैं, फिर दोबारा से उनको भेज देते हैं, नहीं उसको लेकर आओ, शीघ्र बुलाकर लेकर आओ। वे कहते संयन को सिंध की भाषा मो, मुह मुह कोड़ मथन, मैं बातें करूं 300। सुंदर साहब जी बड़ा ही प्यारा कहते हैं, जो मिहराज मेरे लिए गाया करते थे ना, कौन सा सुंदर साहब जी, जान हुन कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुह, मुह मुह कोड़ जिभन।
इतरा मिड्डी तो ही जा ताजे गुण गिनन। भाल तो ही जो ही कड़ी पूजी ते न सगन। ये जो वो गाया करते थे ना, मेरा सुनने का बहुत इच्छा हो रही है बिहारी जी। मैं उनके साथ बैठकर उनके मुख से ये फिर से सुनना चाहता हूँ। कैसे बहाने बहाने से बोल रहे हैं कि उनको किसी तरह से, मैं उनको कितना अंदर से उनसे दूरी मिस कर रहा हूँ, उनको उनको लेकर आ जाओ बिहारी जी किसी भी तरह से। क्या ये किरणतन सुंदर साहब जी क्या है कि एक एक शरीर यानी कोट उस पे धड़ हो जाए, धड़ धड़ पे करोड़ धड़ हो जाए, एक एक धड़ पे करोड़ करोड़ माथे, करोड़ करोड़ सिर हो जाए, और एक एक सिर में करोड़ करोड़ मुंह हो जाए, और एक एक मुंह में करोड़ जिभाएं हो जाए, तो भी मैं सतगुरु महाराज के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। इतना प्यारा जो वो किरणतन गाया करते थे ना, मैं उनसे बातें करना, ये जो भजन वो मुझे सुनाया करते थे, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनको ले आओ ना। वे कहा करते थे इसमें स्पेशली श्री बीतक साहब में सुंदर साहब जी लिख दिया गया ये कि मेरे करोड़ धड़ों, धड़ में करोड़ों सिर, करोड़ों मुख, करोड़ों जिभ्याएं हो, यदि मैं आपके गुणों को गिनना शुरू करूं तो एक गुण भी नहीं गिन पाऊंगी। इस प्रकार का प्रकरण सुंदर साहब जी श्री मुखवाणी में भी बहुत सुंदर आता है। पूरे अंबर, पूरी धरती के पेड़ों की यदि उनका कागज बना दिया जाए, बहुत सुंदर। धनी का एक गुण भी सुंदर साहब जी लिखना मुश्किल है, एक गुण को भी गाना मुश्किल है। उसके करोड़ में कितने गुणवान हमें प्रियतम मिल गए हैं, हम तो उनकी वैल्यू नहीं जान रहे। सुंदर साहब जी जो वो मिल गए हैं ना, एक बार मुख उनकी तरफ हो गया तो ये तो पक्की बात है कि वहां से हट नहीं सकता, बस एक बार उधर मुख होने की बात है। आए बिहारी जी फेर के, फिर बुलाने आ जाते हैं। अब उनके दोस्त क्या कह रहे हैं, बिहारी जी की कंपनी भी वैसी है, कहते हैं अगर तुम ले आए ना उनको बुला के, तो ये जो आगे तुम्हारे पिताजी को आगे जो संभालने वाला है ना, जो गादी है, वो तुमको तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसी को बार बार याद कर रहे हैं। सुंदर साथ उन्हीं को ही वो पद देगा, आपको तो नहीं देगा। आए बिहारी जी फेर के, बात करी इसारत, बाप को दुखत है मेरे मेरे जो पिताजी हैं उनको कहीं पे उनका स्वास्थ्य खराब है, उनके कहीं दुखता है, कहीं दर्द होता है, कछु औषधि चाहिए। एक पहले अंबर कस्तूरी, अब कहते हैं औषधि लेने आया हूँ। बता ही नहीं रहे कि पिताजी धनी श्री देव चंद्र जी तुम्हें कितना याद कर रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं, हर समय तुम्हारी बाट देखते रहते हैं, बाट जोहते रहते हैं। जल्दी चलो मिहिर राज, वो तो उसी समय छोड़कर उड़कर पहुंच जाते सुंदर साहब जी उनके पास। अब फिर आते हैं तो क्या कहते हैं, स्वास्थ्य खराब है, दवाई दे दो। तब कहया श्री महाराज ने, मैं आवत हूँ उत, कछु काम रहया है मैं उसके गले डालत। कहते हैं थोड़ा सा राजकीय कार्य कोई रह गया, अब मैं शीघ्र ही किसी और को सौंप कर सदगुरु महाराज के चरणों में आ रहा हूँ। श्री देखिए दिल को दिल की कैसे कड़ी जुड़ी हुई है। उनको बताया नहीं जा रहा कुछ कि आपको याद कर रहे हैं, या फिर उनको तो उल्टा मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही कि तुमको याद नहीं कर रही है, दवाई दे दो बस इतना ही बहुत है, तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है। पर दिल से दिल के जो तार जुड़े हैं ना, वो टिकने नहीं देते सुंदर साहब जी। श्री देव चंद्र जी के दिल में रही बात अटक, अब उनको केवल एक ही बात उनके दिल में अटक गई है। जैसे कहते हैं ना, धनी का एक नख का नूर में यदि रूह की नजर अटक जाती है ना, तो फिर वो वहां से कहीं जा ही नहीं पाती, उनके दूसरे अंगों को भी नहीं देख पाती, 25 पक्षों उसको कुछ नजर नहीं आता। धनी श्री देव चंद्र जी के दिल में भी एक ही बात अटक गई है कि जब तक इंद्रावती अब मेरे पास नहीं आएगी ना, अब तो सांसें भी मेरी भारी हो रही हैं, क्योंकि इंद्रावती नहीं आएगी, उसको मैं सब कुछ नहीं, जो बातें धनी अंदर से अंत प्रेरणा कर रहे हैं, मैं उनसे बातें नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, मेरे तन छोड़ने का समय आता जा रहा है, तो किस प्रकार ये होगा। अब वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, कोई तो मिहिर राज को बुलाकर ले आओ,
फेर कहे बुलाओ श्री मेहराज रहे खटक। अब यही बात मुझे खटक रही है कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं। तब बिहारी जी ने कहा, तुम फेर फेर करत याद, हम तो कहे कहे थके, तुम फेर फेर करत बाद। कहते मैं तो कह कह के थक के आ गया हूँ वापस, कितनी बार आप मुझे भेजते हो, कितनी बार उनके पास चलने के लिए मुझे कहते रहते हो, बार बार कहता हूँ वो आना ही नहीं चाहते, तो अब क्या करें। आप ऐसे ही उनके नाम की रट लगा के बैठे हुए बार बार उनको याद करते जा रहे हो, वो नहीं आना चाहते हैं, इस बात को छोड़ दीजिए अब। तब बिहारी जी को कहया, तुम बुलाए लियाओ इन, किसी भी तरह से उनको बुलाकर लाओ, मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, खाड़ी इंद्रावती करे रुदन। कहते इंद्रावती की आत्मा धाम के दरवाजे पे खड़ी होके विलाप कर रही है, उनके बिना मैं धाम नहीं जा सकता, उस दरवाजे को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए उनका आना बहुत जरूरी है। सुंदर साहब जी, अब तक कितना उनके बीच में विरह हो चुका है, 5 साल अरब के और 4 साल भारत के, यानी कि 9 वर्षों का विरह। 1703 में गए थे, अब 1712 हो गया है, 3 से लेके 8 तक तो अरब में रहे, 8 से 10 कहाँ रहे सुंदर साहब जी, नौतनपुरी में, और 10 से 12 धरोल चले गए हैं कलाजी के पास। अब क्या कह रहे हैं, बाल भाई के दबाव के कारण बीच में क्या हुआ था, आए तो थे 5 साल के बाद, पर प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ था। यही तो इंद्रावती जी का विलाप है सुंदर साहब जी। उनको पता है धाम दरवाजे पे क्यों वो विलाप कर रही है, इन्हीं को अलंकारिक रूप में कहा गया, क्योंकि उनके अंदर उनके दर्शनों की पिपासा है और वो आ नहीं रहे, देवचंद्र जी उनको बुला नहीं रहे। क्यों? क्योंकि धनी जी के हृदय में ऐसा ही आया है, इंद्रावती ये विलाप करेंगी तो खटरुती उतरेंगी ना सुंदर साहब जी आगे, तो ये पिया की मास्टर प्लानिंग है। बाल बाई जी का कोई दोष नहीं है, वाणी उतरी ही नहीं है, तब उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर कौन है, तो उनका दोष कैसे, आज हमारा दोष है, क्योंकि वाणी ने पूरी सुध हमें दे दी है। यदि अभी भी गुनाह करें और बोले हम उनकी तरह बच जाएंगे, ऐसे नहीं होगा सुंदर साहब जी। सारी साक्षियां सामने पड़ी, मारिफत के भेद खोल खोल के पिया दिखा रहे हैं, फिर भी हमें, हम सुंदर साथ में कटुता फैलाएंगे तो उस गुनाह से हम बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरे मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होयो, में मगन होयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जय, सखीरी धाम जय, मीठे बोले साथ जी। आज के दिन प्रण लेंगे सुंदर साथ जी, आज तक यदि कुछ परसेंट ठीक हुआ हो, बहुत शुभ दिन है सुंदर साथ जी, आज के दिन प्रण लेंगे, मीठा ही बोलेंगे सबके साथ। ये सभी पात्र इसीलिए रखे हैं हम, मुझे सिखाने के लिए सुंदर साथ जी। तो इसको कहा कि यदि उनका हृदय दुखी रहेगा तो युगल स्वरूप उस हृदय में कैसे बैठकर लीला प्रारंभ करेंगे, इसीलिए कहा गया कि इंद्रावती रुदन कर रही है, ये वचन सुन के। अभी भी बिहारी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा कि पिताजी ऐसी बात कह रहे हैं, क्यों फर्क नहीं पड़ा, बिहारी जी का कोई दोष नहीं है सुंदर साहब जी। उनके लिए अपने मन में एक भी कटु भावना यदि हम लेकर आ गए तो हमारा दोष जरूर है, क्योंकि हमें वाणी से अब पता लग गया है कि जो आप करते हो ना धनी जी, वैसा वैसा हम यहाँ पर करते जाते हैं। तो अभी भी किस किस पे फर्क पड़ा, बाल बाई, ये वचन सुन के बाल बाई पहुंची धाय। हम बाल बाई जी के बाहर के जैसा भी वो एक्ट कर रही हैं, जो भी वो पात्र धनी की मेहर से उनकी आज्ञा से निभा रही हैं, उस पात्र के अवगुण तो हम बड़ी जल्दी पिकअप कर लेते हैं कि बाल बाई ने ऐसे ऐसे किया, उनके गुण भी तो देखिए ना सुंदर साहब जी। साथ साथ पहली बार भी उन्होंने ही कहा था
कि मिहिराज भी तन ना छोड़ दें गोवर्धन भाई की तरह, धनी श्री देवचंद्र जी आप इनसे पूछते क्यों नहीं, इनका कोई ख्याल क्यों नहीं करते हो। और अभी भी ये वचन सुन के बाल बाई पहुंची धाय, धाय मतलब फटाफट शीघ्रता पूर्वक बाल बाई जी पहुंच गई मिहिराज जी के पास। मिहिराज तुम्हें क्या हुआ, एते बुलावने आए, उनको तो पता ही नहीं बिहारी जी क्या संदेशा उनको देकर आ रहे हैं। कहते तुम्हें क्या हो गया है, इतने बुलावे आए हैं तुम चलते क्यों नहीं हो। श्री देव चंद्र जी तुमको सही इंफॉर्मेशन किसने बताई जाके, बाल बाई जी ने, इसके लिए उनके चरणों में प्रणाम जी। गुणों को भी प्रणाम करते जाइए सुंदर साथ जी, अब गुणों को छोड़ते जाइए, वो पिया ने मेरे निकालने के लिए ये दिखाया है बस। श्री देवचंद्र जी तुमको याद करें फेर फेर, मैं धाम जाए ना सकूं रहया इन खातर। पूरी बात उनको जाके बता देती है कि बार बार सतगुरु तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। वो बोल रहे हैं कि इनके जाए बिना, उनका स्वास्थ्य भी इतना खराब है मिहिराज, वो बोल रहे हैं कि इनके आए बिना मैं धाम भी नहीं जा सकता, मैं ये शरीर भी नहीं छोड़ सकता। इतने शिद्दत से तुमको याद कर रहे हैं, तुम आते क्यों नहीं हो। तब श्री मेहराज ने कहा, मोसो कही ना किन ए बात, पाल भाई जी मुझे ये बात किसी ने बताई ही नहीं आज तक। मैं तो तब ही आवत जो एती जानो विख्यात, मैं तो उसी समय आ जाता अगर मुझे पता होता कि मेरे सतगुरु महाराज मुझे ऐसे याद कर रहे हैं। मैं तो 4 साल से इस घड़ी की बाट जो रहा हूं कि सतगुरु बुलाएं तो सही, मैं तो भागा भागा एक पैर पे भागा हुआ चला जाता। बाल भाई जी 4 साल से सुंदर साहब जी यही तो विरह है उनके मन में कि सतगुरु एक बार मुझे बुला लीजिए, मैं भागा भागा उनका कहाँ, सुंदर साहब जी कहीं माया के कार्यों में कहीं दिल लग रहा है उनका, कहीं मन नहीं लग रहा सुंदर साहब जी। और यहाँ पे भूलना नहीं है, पत्नी भी साथ में ही होंगी, उनकी शादी हो चुकी है, उनका विवाह हो चुका है, पर उनका कार्य किसी माया के कार्य में नहीं लगता है सुंदर साहब जी। तब कार भार सब डार के हुए विदा सिताब, आप रहते थे जिनके तिनको दे आए जवाब। तब तो सोचा ही नहीं कि मेरे पे क्या कार्यभार सौंपा हुआ है वजीर ने, अपने जैसा ढूंढ कर लाओ, कोई कुछ नहीं सोचा उन्होंने। तुरंत श्री मिहिर राज जी ने राज्य प्रबंध का सारा कार्य डार दिया, छोड़ दिया। उसी पल मेरे सतगुरु बुला रहे हैं, तुरंत बाल भाई जी के साथ चले गए राजा कला जी के पास, जाकर स्पष्ट कह दिया अब मैं नहीं कर पाऊंगा और नहीं कर पाऊंगा, जिसको आपको सौंपना है मैं सतगुरु महाराज की शरण में जा रहा हूं, अब मैं वेट नहीं कर सकता। क्योंकि संदेशा किसका आया है सुंदर साहब जी, प्रियतम का संदेशा आ गया है, सतगुरु का संदेशा आ गया है। सुंदर साहब जी मैं कल सोच रही थी 12 मोमिनों का कितने आराम से हम जिक्र कर जाते हैं, ऐसा ऐसा होता था मुसलमानों के समय पे, ऐसा होता था सर पे कफन बांध के चले गए। सुंदर साहब जी आज मैं सोच रही थी मेरे सतगुरु यदि मुझे कहें कि ये काम है तुमको पाकिस्तान जाना है, अपने आप को टटोल के देखना है, क्या अपना परिवार छोड़ के ये सब छोड़ के हम वो करने, आज भी वैसा ही है, आज भी उससे कम ही है सुंदर साहब जी, आज तो फिर भी डेमोक्रेसी है तो आज उससे तो बहुत कम है, पर आज क्या हम वहां चले जाएंगे कुछ संदेशा देने, वहां पे भी हमारा एक मंदिर है, क्या उसको बचाने के लिए हम वहां पर चले जाएंगे। सुंदर साहब जी अपने अंदर टटोल के देखेंगे कि हम कहाँ टिकते हैं इन मोमिनों के सामने। संवत 1712, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साहब जी, श्रावण वदी अष्टमी, आज भी अष्टमी है ना, और ये भी अष्टमी थी सुंदर साहब जी, मिलाप श्री देवचंद्र जी सो, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी बोला जाता है तो अष्टमी है, मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कहो बात जमी। कब मिले, विक्रम संवत 1712 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को फिर से मिलन हुआ सुंदर साहब जी। कितना सुंदर, उनके ये पढ़ने में तो एक ही चौपाई है, पर वो आए होंगे उनका दिल कितना हर्षित होगा, मेरी इंद्रावती कितनी खुश होगी आज कि धनी ने बुलाया है,
धनी श्री देवचंद्र जी, सतगुरु ने आज मुझे बुला लिया। इतने साल की जुदाईगी की जो पीड़ा थी सुंदर साथ जी, उस पे जैसे मरहम रख दिया हो उस बुलावे ने, कि मेरे सतगुरु ने मुझे याद किया और इतने प्रेम से मुझे याद करे, पूरी पीड़ा वो अपनी क्या हो जाती है सुंदर साथ जी, अंदर ही अंदर बैठ जाती है। कब वो बाहर लिखने में आएगी? जब वो खटरुती उतरेगी तब आएगी। ये पूरा दर्द, पूरी पीड़ा तब बाहर आएगी। और अभी क्या कह रहे हैं, इतने खुश हैं कि सतगुरु ने बुलाया। सोचिए उनके दर्शन पाके 9 साल के बाद उनको कितना अच्छा लगा होगा। इंद्रावती आज कितनी खुश होगी, और सतगुरु सुंदर साहब जी, इंद्रावती की पीड़ा तो हम देख रहे हैं, धनी की पीड़ा हम नहीं देख रहे। जो सतगुरु महाराज के अंदर जो पिया लीला कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा होगा? बैठे तो वो इंद्रावती के अंदर है, प्लानिंग भी उन्हीं की है, पर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को कैसा लग रहा होगा? 9 साल हो गए उनको देखा नहीं सुंदर साथ जी, उनके हृदय की व्यथा। हम हमेशा रूहों की तरफ से तो देखते हैं, आनंदे रोता रमिए, पिया की दृष्टिकोण से भी उसको देखने का जरूर प्रयत्न कीजिएगा कि धनी श्री देवचंद्र जी आज कितने खुश हो गए हैं कि मेरी प्यारी आत्म, इंद्रावती की आत्म, जिससे आगे की लीला होनी है, वो मेरे पास है। 9 साल से उससे बात भी नहीं हो पाई सुंदर साहब जी, कैसे रुदन कर रही है, उनको सारा पता है अंदर से, तो उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी। तो ये कितना सुंदर दिन, 1712 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कहते हैं। महामती जी क्या कहते हैं, अब इस प्रसंग की बातों को मैं आपके सामने कहता हूँ। श्री महामती कही है, साथ जी ए नौतन पुरी की बीतक, याद करो इन समय को, सो भान देऊं सब सक। कहते हैं नौतनपुरी में होने वाली घटनाओं का ये विशेष वर्णन है, और भी बहुत कुछ हुआ होगा पर सारा कुछ तो लिखा नहीं जा सकता, विशेष विशेष घटनाएं लिखी गई हैं। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी की अंतर ध्यान लीला के इस महत्वपूर्ण समय को याद कीजिए, इस घटनाक्रम में होने वाले सारे संशयों को भान दूंगा अब मैं, ऐसे पिया संकेत कर रहे हैं। प्रकरण 15 हो गए हैं सुंदर साथ जी, और चौपाई 691 हो चुकी हैं। ये भी धनी की ही मेहर है, धीरे धीरे चलते चलते भी पिया ने इतनी चौपाइयां कर भी दी, पता ही नहीं लगा। धनी जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब सतगुरु की अंतर ध्यान लीला सुंदर साथ जी, आए के मुलाकात करी लगे श्री देवचंद्र जी के कदम, तब पूछा ये कौन है। सुंदर साहब जी तबीयत कितनी खराब हो गई उनकी उस समय, लेटे हुए हैं उस समय, आई के मुलाकात करी लगे श्री देवचंद्र जी के कदम, वही कदम है सुंदर साहब जी, 5 साल बाद अरब से आए थे, इन्हीं कदमों लगे थे और उन्होंने मुंह फेरा था, आज फिर उन्हीं कदमों पे आके लिपट गए हैं हमारी इंद्रावती की आत्म, मिहिर राज ठाकुर जी आकर लिपट गए हैं, आके लग गए हैं उन कदमों से जिसके लिए बरसों से वो तड़प रहे थे। तब पूछा है कौन है, सोचो उनकी तबीयत कितनी खराब होगी कि उनको पता भी नहीं लगा कि कौन आया है। कहया श्री मिहिर राज की आत्म, लेटे लेटे ही पूछ रहे हैं कौन आया है, तो कहते मिहिर राज आया है, मिहिर राज की आत्म आई है सुंदर साहब जी, उनके अंदर जो आत्म है वो आई है, इंद्रावती की आत्म लिपटने आ गई है आपके साथ, नाम सुनत। ये भी बधाई की बात है सुंदर साहब जी, आज श्री कृष्ण की बधाई भी आज, और ये बधाई भी आज मिली कि दोनों आपस में मिलाप हो गया। हमारा भी धनी क्या संकेत दे रहे हैं, हमारा भी आपस में मिलन हो जाना चाहिए सुंदर साहब जी। जितना हम इन सब चीजों में पड़े रहेंगे ना, हमें पता ही नहीं, हमें लगता है कि ये शब्द कहकर हमने उनका दिल दुखा दिया। नहीं सुंदर साहब जी, अपने अंदर देखिएगा, हमारी आत्म जागृति की राह में पहले तो छोटे छोटे रोड़े होते थे, अब पहाड़ खड़े हो गए, क्योंकि
क्योंकि सुंदर साथ का दिल दुखा दिया। वो जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो चट्टान बनते जा रहे हैं हमारी मेरी आत्म जागृति की राह में। यदि मैं किसी भी सुंदर साथ से कटु वचन बोलती हूँ, उनका दिल दुखाती हूँ, धनी कह रहे हैं किसी का नुकसान नहीं हुआ, तू अपने अंदर झांक के देख, तेरा ही नुकसान हो गया। तू खुद ही आत्म जागृति की राह में आगे बढ़ नहीं पा रही, बल्कि तेरे कदम पीछे ही पीछे होते जा रहे, और दूर मुझसे और दूर होती जा रही है। ऐ रूह नहीं सुंदर साथ जी, इतना प्रेम करना, आज का दिन बहुत प्यारा है। आज के दिन प्रेम की तरंगे सब सुंदर साथ की ओर बौछार जरूर कर दीजिएगा, यही आपसे प्रार्थना है। नाम सुनत श्री मेहराज को, मैं सोच रही थी प्रकरण समाप्त हुआ है वहां समाप्त करते हैं, पर नहीं, धनी ने इस चौपाई तक हमें लेकर आना था आज। बड़ो जो पायो सुख, पूछा मेहराज आए तुम, बात करने लगे मुख। सुंदर साथ जी, मेहराज का नाम सुनते ही इतना अपार हर्ष, इतना सुख हुआ पिया जी को, धनी श्री देवचंद्र जी को, प्रियम को इतना सुख हुआ। सुंदर साथ जी प्रसन्नता के आवेग में खुशी से हिलोरे लेते हुए पूछते हैं, आ गए तुम, और उनसे बातें करने लगे सुंदर साथ जी। उसके इतनी बातें उनको करनी, सोचो दिल में कितनी आई होंगी इतने वर्षों में भी, सारा कुछ उनको वो भी बताना है, और आगे जो जो होने वाला है वो भी बताना है, और फिर उनके हृदय में बैठकर पूरा खोल देना है। तो इस दिन की हम सब सुंदर साथ को कोटि कोटि बधाई हो, और आज हम भी मिलाप दिवस मनाएं। सुंदर साथ जी पहले छत्रसाल जी से मनाया था, आज देवचंद्र जी और इनका भी मनाएं, साथ साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी छोटी बुद्धि, छोटी भी नहीं, शून्य कहूंगी, नो, बिल्कुल ही बुद्धि ना हो जिसको, शून्य ज्ञान, शून्य प्रेम, ऐसी सखी से बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं, आप कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।